Hello students of class 10. Once again welcome in my class. Now today I'll present the French Revolution and the idea of nation in the chapter the rise of nationalism in the Europe. The very aspect that is related to the idea of nation in this video are present. आपके सामने जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो पहला एस्पेक्ट जो है वेरी मच इम्पोर्टेंट वो है द आइडिया ऑफ नेशन फ्रॉम हेयर इट केम डेवलप्ड उसके बारे में आज हम जानेंगे. तो जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था कि किस तरह से उस समय एम्पेरियलिस्टिक और कंजर्वेटिव आइडियाज पृष्ठभूमि में चलते जा रहे थे, खास करके जो है इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स आफ्टर द अराइवल ऑफ 19th सेंचुरी. तो ये जो आइडियाज जा रहे थे उसके प्लेस में सामने जनता के बीच जो है लोकप्रिय जो हो रहे थे यूरोप में ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमी ड्यू टू द कल्चर ड्यू टू द कंसेप्ट वो चेंज क्या था. That change was really based on liberal ideology, which mixing up with the democratic ideas now transformed into such a way that it brought a great change in Europe, especially its leader, first France and afterwards in whole of the Europe. Now we can see. So क्या था before 1789? अगर कहें 1789 जो कह सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइडिंग जो ईयर है लाइन इसने कहते हैं सदियां. वास्तव में जो है इसके पहले जो थी जो परंपराएं थी रीति रिवाज थी जो मान्यताएं थी इन सदियों की मान्यता इस 1789 ने ध्वस्त कर दिया. अब एक नया समय नया युग शुरू हो रहा है. उस नए युग की शुरुआत 1789 में हुई और यह शुरू हुआ द ग्रेट इवेंट ऑफ हिस्ट्री द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण जो परिवर्तन आए पॉलिटी में सोसाइटी में और इकोनॉमी में ड्यू टू चेंज इन द कंसेप्ट एंड द आइडियाज ऑफ द लीडर्स एंड द पीपल एट द टाइम वो सबसे बड़ा क्या था. सबसे पहले जो बिग चेंज क्या था फ्रांस वाज रूल्ड बाय 1789 में क्या था तो एक एब्सोल्यूटिस्ट रूलर के द्वारा यानी कि एक सर्वाधिकारवादी सत्ता मतलब द रूलर विच रियली न्यू नो रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर पावर. अब उसके स्थान पर जो है ये जो एब्सोल्यूटिस्ट लीडर रूलर थे उनके स्थान पर एक नई व्यवस्था आ रही एक नया सिस्टम आ रहा और वह सिस्टम जो था जहाँ पर जो है रूलर जो होता था जो किंग हुआ करता था ट्रेडिशनली जो किंग हुआ करते थे वो सत्ता की जो तीनों जो है वास्तव में जो शक्तियाँ थी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ये सारी की सारी शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित रखते थे. एन एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ पावर वाज रियली द आइडेंटिटी ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स. इन प्लेस नाउ ड्यूरिंग रिवोल्यूशन द चेंज विच वाज ब्राउट had really brought the change. What was the change? The power to take ultimate decision was transformed from the king to a body of representative. यानी कि अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति थी उसको जो वास्तव में जो कैपेसिटी थी राजा की अब उसमें परिवर्तन आ गया था. यह बहुत बड़ा परिवर्तन था और उसके स्थान पर जो निर्णय लेने वाला डिसीजन लेने वाला जो वास्तव में अथॉरिटी था वो कौन था अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कुछ चुने हुए लोगों का ग्रुप. और ये चुने हुए लोग कौन थे दोज वेयर इलेक्टेड बाई फ्रेंच सिटीजन्स नॉट सब्जेक्ट्स. तो राजा जहां जो है पहले
हर निर्णय लिया करता था स्टेट मैटर में, व्हाट वेयर द मैटर ऑफ रिलेटेड टू अ स्टेट दैट वाज डिसाइडेड बाय द किंग इटसेल्फ. नाउ इन प्लेस अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वेयर मेड रेस्पॉन्सिबल टू टेक डिसीजन फॉर द स्टेट मैटर विच वेयर इलेक्टेड बाय फ्रेंच सिटीजंस. फ्रांस की जनता, फ्रांस के नागरिक अब इतने कैपेबल हो चुके थे कि वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को ये अधिकार दे रहे थे कि आप हमारे बदले स्टेट के मैटर में ऑन बिहाफ ऑफ द फ्रेंच पीपल दे वेयर एम्पावर्ड टू डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट डिसीजन टू बी टेकन. एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया. राजा जो पैदाइशी यानी कि कहने का मतलब जो है ना, वो बाय बर्थ अधिकार संपन्न हुआ करता था, वो हर प्रकार के प्रिविलेज से संपन्न था. अब उसके स्थान पर एक सामान्य व्यक्ति भी अगर नागरिकों का, सिटीजन्स का सपोर्ट मिलता था इलेक्शन में, तो वो कैपेबल था डिसीजन लेने के जो स्टेट मैटर से रिलेटेड था. यानी कि अब निश्चय हो गया या निश्चित कर दिया गया कि निर्णय लेने का अधिकार अंतिम रूप से जनता का है. और क्योंकि यह बिग चेंज था, इट वॉज ए ग्रेट चेंज रियली. सो नाउ फ्रांस वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इंटू ए नेशन फ्रॉम ए किंगडम. पहले जहां यह राज्य जो होता था वह राजा का होता था. जनरली द किंगडम वॉज रूल्ड बाई किंग, यानी कि द टेरिटरी विच वॉज रूल्ड बाई ए किंग दैट वॉज किंगडम. अब ये किंगडम नए जो है वास्तव में लिबरल आइडियाज के पॉपुलरिटी के कारण जो परिवर्तन लेके आ रहा था उसमें यह किंगडम अब राष्ट्र बन गया था, नेशन बन गया था. और नाउ कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द फ्रेंच पीपल वाज एस्टैब्लिश्ड. पहले क्या है, फ्रांस की जनता या जहां कहीं भी कोई किंगडम हुआ करता था, राजा होता था, निश्चित तौर पर राज्य होता था. और वो राज्य जहाँ ये किंग रूल करता था, वो किंगडम हुआ करता था, वहां रहने वाले लोग, उसके ज्यूरिडिक्शन में रहने वाले लोग प्रजा कहलाते थे, सब्जेक्ट कहलाते थे. नाउ ये परिवर्तन, ये जो है नाउन चेंज कर गया. अब सब्जेक्ट नहीं था, अब सब्जेक्ट के स्थान पर सिटीजन हो गए. सब्जेक्ट को कोई अधिकार नहीं था. जब राजा के अंतर्गत में सदियों से लोग रहते आए थे, तो उन लोगों को सब्जेक्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके कोई अधिकार नहीं थे. उनके हर निर्णय, उनके भाग्य का वास्तव निर्णय राजा हुआ करता था. अब जो सिटीजन के रूप में जनता अपने भाग्य का निर्णय और अपने रूलर का निर्णय अपने द्वारा कर रहा, खुद के द्वारा तय कर रहा था. और वो वोट की शक्ति से हो रहा था. तो सो नाउ फ्रांस वाज ट्रांसफॉर्म इनटू ए नेशन फ्रॉम ए किंगडम. एंड नाउ फ्रेंच पीपल वाज गिवन अ स्पेशल स्टेटस दैट वाज इन फॉर्म ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. एंड दिस कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज रियली बेस्ड ऑन एथनिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी. एथनिक इक्वालिटी दैट मीन्स फ्रेटरनिटी, दैट वाज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी इनफॉर्मिटी ड्यू टू कल्चर, ड्यू टू ब्लड रिलेशन, ड्यू टू मेनी मोर थिंग्स. एंड इक्वालिटी दैट वॉज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्पेशल पॉलिटिकल राइट, लीगल राइट गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. सो अब जनता जो है फ्रांस की, उनको एक सामूहिक पहचान मिल गई, सब एक रूप. अब फ्रांस की जनता न तो जो है रॉयल्टी में विश्वास करती थी, नोबेलिटी में विश्वास करती थी, और न जो है क्लेरिकियन जो है वास्तव में जो है उसका जो है कोई पहचान था. फ्रांस की जनता अब फ्रांस की जनता हो गई. वह नोबेलिटी के मेंबर, वह जो है क्लेरजी के मेंबर और रॉयल फैमिली के मेंबर या सामान्य जनता के रूप में नहीं जानी जाती. अब सब की एक पहचान थी और वह पहचान थी फ्रेंच पीपल. तो ये फ्रेंच पीपल का जो वास्तव में उनकी जो का जो पहचान है वो विकसित हुआ, डेवलप हुआ ड्यू टू एथनिक आइडेंटिटी, एथनिक इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी.
तो इस तरह से एक जो कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच पीपल का इस्टाब्लिश किया गया, वास्तव में डेवलप किया गया उस समय के कालक्रम में, जो है जो परिवर्तन हुए उस परिवर्तन ने इस स्थिति को लाया था। और ये जो पहचान मिली फ्रांस के लोगों को, वो वास्तव में इस रूप से मिले यानी कि ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन व्हाट टैक्सेस एंड मेजर्स वेर अडॉप्टेड टू दैट दिस कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ फ्रेंच पीपल वाज एस्टैब्लिश्ड। यानी कि आखिर कौन कौन से काम किए गए, कौन कौन से वास्तव में जो है प्रैक्टिस और मेजर्स को अपनाया गया, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, पुराने व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन लाया गया, परिस्थितियों में क्या बदलाव लाया गया, जिसके द्वारा फ्रांस के लोगों की पहचान अब एक सामूहिक पहचान के रूप में स्थापित हो गया। तो देखेंगे जो उसमें जो कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए सबों को एक पहचान मिले क्या किया, तो पहला काम उसने यह किया कि वास्तव में जो पहले राजा के अधीन प्रजा हुआ करती थी, सब्जेक्ट हुआ करता था, अब उनका यह पावर कर उनके स्टेटस को चेंज कर दिया। और स्टेट जो किंगडम हुआ करता था, अब जनता के लिए क्या हो गया, फादरलैंड, एक इमोशनल बाउंडिंग बनाया गया, पितृभूमि, पिता की भूमि जहाँ जन्म लिया हो, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी अधिकतर यूरोप में भी उस समय भी थे, हमारे इसके दुनिया के लोग 90% जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है। तो यहाँ इसने समूचे देश को पितृभूमि, इसका फ्रेंच वर्ड जो है ला पैटरी, कंसेप्ट चेंज कर दिया। सब्जेक्ट जो थे और सब्जेक्ट का जो पहले जो जुड़ाव हुआ करता था वो राजा के थ्रू राज्य से होता था, प्रजा के रूप में थी, अब यह मान लिया कि ये जो है फ्रांस जो था उनकी पितृभूमि थी, यानी जितने भी लोग रहने वाले थे उनकी पितृभूमि थी, पिता और उसकी भूमि से जब उसके का संबंध जोड़ा गया, ये जो वास्तव में एडजेक्टिव जो उनको दिया गया, तो इसने वास्तव में उससे उनका इमोशनल जो अटैचमेंट कर दिया, इमोशनल बॉन्डिंग कर दिया। और ये एक ऐसा इमोशनल बॉन्डिंग था, एक ऐसा जुड़ाव था जिसने फ्रांस के लोगों का कायाकल्प कर दिया, उनकी सोच में व्यापक परिवर्तन हुआ, अब उससे वो जुड़ने लगे, मिट्टी जो है यहाँ ये जो देश है वो हमारा अपनत्व का बोझ हुआ, पिता से जैसे अपनत्व होता है, जुड़ाव होता है, अपना होता है, ठीक वही है ना, वहाँ पिता की भूमि फादरलैंड के रूप में उस फ्रांस को जनता ने, उस देश को जनता ने मानना शुरू कर दिया। अब इस इमोशनल बॉन्डिंग के कारण जो, इस अटैचमेंट के कारण जो है वास्तव में फ्रांस की जनता में इक्वालिटी, इन्फॉर्मिटी और सोलिडरिटी डेवलप हुई, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन कल्पनातीत हुआ जनता को भी, अब ये नागरिक कहलाने लगे, ले सिटीजन, ले सिटीजन, और ये सिटीजन जो है सब्जेक्ट से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, पहले राजा का दिन सीट है ना, ए सब्जेक्ट, अब इस है ना न्यू नेशन फ्रेंच, द फ्रांस जो ने, जो नेशन के रूप में जो आया था, जो फ्रेंच पीपल थे, अब वो सिटीजन हो गए, सिटीजन से मतलब ये कि अब वो सामान्य नहीं रह गए, अब उनके हाथ में अधिकार था, सब्जेक्ट रूप में के रूप में उनके पास कुछ खास राइट थे नहीं, लेकिन इनके पास इतने राइट थे कि वे देश का यानी नेशन के भविष्य को तय कर सकते। सो दी सिटीजन्स वेयर गिवन इक्वल स्टेटस, क्योंकि उनको बराबरी का दर्जा दिया गया था, मैंने कहा था कि फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी के आधार पर, यानी कि एथनिक इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी के आधार पर इन सिटीजन को जो स्टेटस मिला था, तो ये जो इक्वल स्टेटस था ये किसने दिया था, तो रूल बुक ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही वास्तव में सोर्स ऑफ पावर था इस नए फॉर्म में, इस नए फॉर्मेट में। इसके बाद सबसे पहले जो है अपनी पहचान को बदलने के क्रम में, इन प्लेस ऑफ रॉयल स्टैंडर्ड, जो फ्रांस का इसके पहले यानी अंडर द एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स मोनार्की, जो फ्रांस का झंडा था, जो फ्लैग था, जिसकी जो पहचान थी वो रॉयल स्टैंडर्ड, इसके स्थान पर अब ट्राइकलर को स्टैब्लिश किया, यानी एक नया झंडा स्वीकार किया गया, और वो झंडा जो है वास्तव में ए फ्रेंच रिवोल्यूशन के दरमियान जो स्वीकार किया गया, ये ट्राइकलर था, और इसमें इस ट्राइकलर में ब्लू व्हाइट और रेड ये तीन कलर वाला झंडा जो है स्वीकार किया गया, यानी एक नई पहचान देती गई, पहचान ही चेंज कर दिया गया।
ना स्टेट के अंदर पहले जो है राजा था और चुने हुए प्रतिनिधि रहते थे, ठीक है, बहुत दिनों पर चुनाव होता था, चुने हुए प्रतिनिधि और राजा को सलाह देने को लेते थे के लिए आते थे। राजा जब किसी खास विषय पर उनसे एडवाइस लेता था, उनके निर्णय को जानना चाहता था, तो रिप्रेजेंटेटिव होते थे कोर्ट में, स्टेट जनरल था, एक पब्लिक बॉडी थी, उसको कुछ अधिकार भी थे, लेकिन अब ये स्टेट जनरल नेशनल असेंबली के रूप में जाने जाने लगा, नया नाम दिया गया, और इस नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन विच चिल्ड्रंस वर इक्वल बिफोर स्टेट। जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वास्तव में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया और उसको स्वीकार कर लिया गया, तब इसको नेशनल असेंबली वास्तव में सही रूप में दिया गया ना। और सिटीजन जो है जितने भी थे जिनको भी अधिकार दिया गया सिटीजन के रूप में, सबको बराबर अधिकार दिया, यानी कोई छोटा बड़ा नहीं रहा। पहले जो प्रिविलेज सोसाइटी के था, जो फ्रांस के लोग जो है ना डिफरेंट स्ट्रेटा में जो है वास्तव में डिवाइडेड थे, कोई नोबिलिटी से बिलोंग करता था तो कोई जो है क्लर्जी से बिलोंग करता था, कोई जो है कॉमन मैन से बिलोंग करता था, यानी कि जनरल क्लास से जो कह सकते हो, है ना, थर्ड जो स्टेट्स थे उनसे बिलोंग करता था, और कोई जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। आज इस प्रकार की वास्तव में जो है असमानता खत्म हो गई। इसके बाद अगर देखेंगे तो नाउ टू शो द डिवोशन टुवर्ड्स द नेशन, अपने देश के प्रति लोगों के अटैचमेंट को, उसकी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, ताकि लोगों में एक जोश आए, एक एकत्व की भावना का विशेष ढंग से प्रसार प्रचार हो सके, बॉन्डिंग जो है ये नेशन टुवर्ड्स द नेशन, द बॉन्डिंग सिंस दे वांटेड टू बिकम वेरी मच स्ट्रांग, सो फॉलोइंग रिचुअल्स वेयर अडॉप्टेड। वो क्या थे? न्यू हाइंस वेयर कंपोज, यानी कि नए राष्ट्रगान मार्सलीज कंपोज किया गया और उसको अडॉप्ट किया गया, राष्ट्र को एक नए रूप में देखा गया। ओथ वाक्य के राष्ट्र के नाम में, राष्ट्र के नाम शपथ लिया गया कि हम जब तक हैं जिएंगे, इस प्रकार के सबके अलग अलग है ना, मिलिट्री वालों के लिए अलग ओथ हो और जो सामान्य कॉमन पीपल के लिए अलग ओथ हो, वो है ना, उनको शपथ दिलाई गई, प्रतिज्ञा लोगों ने की अपने राष्ट्र के नाम। तो इसे जो बॉन्डिंग जो था नेशन के प्रति, अटैचमेंट जो था नेशन के प्रति, वो निश्चित तौर पे पहले से काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गई। मार्टियर्स को मरेटे, जो लोग पहले जो है सेना में जो लोग मरते थे दूसरे देश से, जब युद्ध होता था, राजा के भी थे तो उनको कोई खास महत्व दिया जाने जाता, तो एक राजा के सैनिक के रूप में मरते और राजा उसके परिवार को कुछ दे या ना दे, है ना, मर्जी वास्तव में राजा की होती थी, किंग की होती थी। लेकिन अब जो भी देश के नाम पे शहीद हो रहा था, देश के काउज के लिए, देश के कंसर्न के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए जो लड़ते हुए शहीद हो रहा था, उनको श्रद्धा के साथ याद किया जाता, लोगों के बीच पब्लिकली उनको सम्मान दिया जाने लगा, और इस तरह से वास्तव में जनता का राष्ट्र के प्रति जुड़ाव को और मजबूत बनाया गया, उसको और ज्यादा जो है वास्तव में है ना धार दिया गया। इसके बाद देखेंगे एक, चूंकि समूचे देश में अब इक्वलिटी को तो स्थापित किया ही गया था, जिसको हम कहते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन की लीगेसी में इक्वलिटी भी था, लिबर्टी भी था और फ्रेटर्निटी भी। तो ये फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी तो मैंने देखा, फिर लिबर्टी के आधार पर भी लोगों को, क्योंकि स्टेट के सामने जो है ना बराबर अधिकार दिए गए, साथ ही साथ लिबरलाइज किया गया सिस्टम को। लिबरलाइजेशन से मतलब जो कंट्रोल था स्टेट का बहुत ज़्यादा लोगों पर, चाहे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पर, अब उसको रिलैक्स किया गया, और इस रिलैक्सेशन के द्वारा जो है जो कुछ भी वास्तव में इसमें लिबरलाइजेशन लाया गया, जो फ्रीडम लाया गया, वो अपेयरनेस लाया गया, इसके कारण जो है ढेर सारे जो है नए परिवर्तन आए, इसने इकोनॉमी और सोसाइटी में एक व्यापक परिवर्तन लाया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेट अप एंड द लॉज वेयर मेड यूनिफॉर्म, अब जो कानून थे हर वर्ग के लिए या किसी भी विशेष वर्ग के लिए अलग अलग नहीं बनाए गए, जो भी कानून फ्रांस में यानी कि नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट ने जो एक्सेप्ट किया था, वो जिसमें जो भी कानून थे वो सब ऊपर लागू होते थे इनफॉर्म, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, जो सिस्टम था, वो बिल्कुल जो है अब साइंटिफिक आधार पे किया गया,
और पूरे तरह जो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम को, पहले ये नहीं कि हाँ यहाँ राजा है और उसका जो है क्या है वहाँ पर जो है ना युवराज है, कहीं और है, डिफरेंट ब्रांच जो है जो प्रोविंसेस थे उसमें रॉयल फैमिली के लोग होते थे, वो अपने मनमाने ढंग से शासन करते थे। तो ऐसा नहीं है, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया। साथ ही साथ जो है जो भी कानून थे वो सब उनके लिए थे और बराबर थे। स्टेट नाउ ट्रीटेड एवरीवन इक्वली। आर्थिक वास्तव में समानता लाने के लिए आर्थिक रूप से जो पहले के जो वास्तव में जो रेस्ट्रिक्शन थे जिसके कारण वास्तव में जनता में काफी कभी कभी हताशा और निराशा हो जाती थी, उनका डेवलपमेंट वास्तव में रुक गया था, उसको दूर किया गया। किस प्रकार से दूर किया गया? इकोनॉमिक इन्फॉर्मेटी वाइज ड्राउट, यानी कि लोगों के बीच में आर्थिक अवसरों की समानता को लाने के लिए ये कुछ स्टेप्स लिए गए। ये स्टेप्स क्या थे? सबसे पहला एबोलिशिंग द इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज। फ्रांस जो यहाँ पर कई प्रोविंस थे, तो रूलर था यानी किंग था और उसके बाद प्रोविंसियल रूलर हुआ करते थे। एक इलाके से दूसरे इलाके यानी कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाने पर उन्हें इंटरनल कस्टम ड्यूटी देने पड़ते थे, इसके कारण गुड्स एंड सर्विसेज वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर महंगे हो जाया करते थे, इनफॉर्मिटी थी नहीं। साथ ही साथ कई प्रकार के मनोरियल जूज वगैरह भी लोगों पर हुआ करते थे, जो वास्तव में प्रिविलेज सोसाइटी ये लिया करती थी खासकर के कॉमन पीपल से। तो इन सारे ड्यूज जो थे उन सबों को पहले तो समाप्त किया और कस्टम ड्यूटीज को समाप्त किया और समुचे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जो है ठीक करते हुए एक जो है कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज इन ट्रेड को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। यूनिफॉर्म सिस्टम और इसके लिए सबसे बहुत बड़ी जो चीज जो परिवर्तन लाया गया वो वेट एंड मीजर्स, जो पहले अलग अलग हुआ करता था, हर जो है कुछ दूरी यानी कह सकते हो कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पर जो है लोगों के मेजरमेंट के जो है वास्तव में पैमाने बदल जाते थे। अब जो है समूचे जो है जितने भी फ्रांस में जो भी इलाका था, जो भी फ्रांस का अंडर जो भी ज्यूरिडिक्शन था, सबों में एक प्रकार का जो है माप तौल की इकाई को इस्टाब्लिश किया गया, ताकि जो ट्रेड में वहाँ जो इनकन्वीनियंस था जिसके कारण जो है ट्रेडर्स को काफ़ी असुविधा होती थी, चाहे वो गुड्स से संबंधित हो या सर्विसेज से संबंधित हो, उसको समाप्त कर दिया गया। इस तरह से कह सकते हो कि चाहे हम कहते कि आर्थिक जो है नई आर्थिक नीति जब से हमारे देश में आई तो लिबरलाइजेशन के नाम से जाना जाता है कि है ना इकोनॉमिक जो है वास्तव में लिबरलाइजेशन का दौर हमारे यहाँ 1991 से शुरू होता है। तो ये लिबरलाइजेशन का ये प्रथम प्रयास था आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। दिस इकोनॉमिक इन्फॉर्मिटी वॉज ब्राउट बाई एट दैट टाइम थ्रू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, नई आर्थिक नीति कह सकते हो के द्वारा जो है उस समय वास्तव में आर्थिक अवसरों के द्वार खोले गए। इसके अलावा फिर जो दिया गया जो कुछ जो है कल्चर जो है वास्तव में कल्चर को किस प्रकार से भी एनरिच किया जा सके और लोगों का जो है बॉन्डिंग को और ज़्यादा यानी कम्युनिकेशन को ठीक ठाक किया सके था, क्या कि फ्रांस बहुत बड़ा देश नहीं था फिर भी एज ए लैंग्वेज फ्रेंच ही विभिन्न स्थानों पर यानी कुछ कुछ दूरी पर जो है बोलने यानी कि एक्सेंट जो है में बदलाव होता था, और एक्सेंट में बदलाव होने के कारण जो है डायलेक्ट्स के रूप में कई जगह ये बोले जाते थे हर और हर जो है वास्तव में जो है कह सकते थे रीजनल जो है डायलेक्ट्स के, क्योंकि ग्रामर बेस्ड जो है वास्तव में जो है कोई फॉर्म था नहीं, इसलिए पैरिस में जो फ्रांस की भाषा बोली जाती थी फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच पीपल लिविंग इन पैरिस यूज द टाइप ऑफ द फ्रेंच वाज नाउ अडॉप्टेड एज द कॉमन लैंग्वेज, डिस्करेजिंग रीजनल डायलेक्ट्स। फ्रांस के हर भाग में फ्रेंच ही बोला जाता था निश्चित तौर पे, लेकिन वो जो फ्रेंच हुआ करता था पेरिस में जो फ्रेंच बोला जाता था उसे कुछ डीपर होता था, या दूरी अधिक दूरी जाने पर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता था। इसीलिए इन्फॉर्मिटी लाने के लिए अब जो है फ्रांस में जो बोली जाती है बोली जाती थी फ्रेंच, उसी को एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में कॉमन लैंग्वेज के रूप में शुरू में कॉमन लैंग्वेज के रूप में डेवलप किया गया और बाद में जो है यह नेशनल लैंग्वेज बन गया। इस तरह से लोगों के पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक इन्फॉर्मिटी और को इस्टाब्लिश किया गया। साथ ही साथ
ये प्रयास किया गया कि लोगों की पहचान जो है एक फ्रेंच पीपल के रूप में हो, है ना, उनका अलग अलग स्टेटस नहीं हो, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो। और यह कॉमन जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी ही जो वास्तव में के कारण फ्रांस के लोगों में जो एक नए प्रकार का जो है वास्तव में उसके विचारों में, उसके व्यवहार में, उसकी सोच में जो परिवर्तन हुआ, उसके कारण आगे आने वाले समय में यूरोप में व्यापक उथल पुथल हुआ विभिन्न पैमानों पर, विभिन्न स्तरों पर, वो पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सामने आते हैं, जो कि आपको अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द आइडिया ऑफ नेशन विल बी प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।